हे नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देती हूँ, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगी सिर्फ, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कर दूँगी। और बात यह कि मेरे पास लिखने के लिए बिल्कुल भी अब खाली पेज नहीं बचे। जितनी भी मेरे पास पुरानी डायरी थी सब भर गई है, जितनी कॉपी कुछ भी था ना सब भर गया, कुछ भी नहीं अब मेरे पास लिखने के लिए। तो मैंने कल पापा को भी भेजा मार्केट में कि आप जाओ और कुछ लेके आओ, लेकिन उनको भी मार्केट में एक भी ऐसी दुकान मिली नहीं खुली हुई। और जल्दी से उनको आना पड़ा क्योंकि पुलिस वाले इधर सारी जगह घूमते रहते हैं तो वो बाहर जाने ही नहीं देते। फिर मेरे दिमाग में आया कि पापा को ना ऑफ़िस भेजती हूँ, पापा का ऑफ़िस हमारे घर के पास में ही है। तो पापा को मैंने ऑफ़िस भेजा क्योंकि पापा के ऑफ़िस में ना स्टेशनरी का सारा सामान रखा रहता है, डायरियाँ और ये खाली पेज पेन वगैरह सब कुछ रखा रहता है। तो मैंने इनको भेजा, फिर पापा वहाँ से मेरे लिए लेके आए, तब जाके मैं आपके लिए वीडियो बना पा रही हूँ। आपको लगता है कि सारी चीज़ें बहुत आसान है और आराम से हो जाता है, मैडम लिख देती है बना देती है नॉर्मली है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे वीडियो बनाना था तो मुझे उसके लिए कुछ भी करना है वो मैं करूँगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मुझे बुरी लगती है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते। 15 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट से ज़्यादा एक दो नहीं देखी होगी, मुश्किल से देखी नहीं है, क्योंकि उसका जो एवरेज टाइम आता है वो हमेशा डाउन आता है। कभी भी आप पूरी वीडियो को देखते नहीं हो, थोड़ा सा देख के बंद करके रख देते हो। तो मन नहीं करता फिर बनाने का कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो अजीब सा लगता है। चलो दोस्तों स्टार्ट करती हूँ मैं इस वीडियो को, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संत कवियों का कौन सा विकल्प काल क्रमानुसार है, मतलब कि इनका कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प है जो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए आप सभी इसको जानते हो, आपने पढ़ रखा है पहले कि रामानंद है, उनके बाद कबीर है, कबीर के बाद रैदास, इसके बाद है नानक और लास्ट में रज्जब है। ये क्रम इनका बिल्कुल ठीक है, आप देखोगे मैंने लिखवा रखा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मैच करोगे तो ये वाला क्रम इनका ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, आप देखिए सबंगी रचना के रचयिता कौन है। तो सबंगी के रचयिता को आप सभी जानते हो कि रज्जब है, ठीक है दोस्तों, रज्जब की है ये। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है। देखिए सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा ये सही है, पंचमिल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा ये भी सही है, भाषा के डिक्टेटर इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली ये डॉक्टर धर्मवीर ने कहा ये गलत है दोस्तों, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है, तो जो सही है उनको आप याद रखिए, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे पढ़ते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया, संत काव्य की विशेषता नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछा कि कौन सी नहीं है, ठीक है। तो देखिए देख लेते हम चारों ऑप्शन को पढ़ लेते, प्रबंध काव्य का सृजन, तो दोस्तों संत काव्य में प्रबंध काव्य का सृजन हुआ ही नहीं था, आपने देखा होगा ये इसकी विशेषता में नहीं आता। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति आता है, नारी के प्रति सम्मान है, ये भी सही है दोस्तों, लोक संग्रह की भावना, ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन प्रबंध काव्य का सृजन किया गया था ये संत काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सी संत काव्य की विशेषता नहीं है, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते गुरु की महत्ता है, बिल्कुल है दोस्तों, गुरु की बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है संत काव्य में। जाति बंधन का बहिष्कार है, क्या दोस्तों ये पॉइंट आपको सही लग रहा है, हाँ तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, जाति बंधन का बहिष्कार किया है इन्होंने। मूर्ति पूजा का विरोध किया है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। धार्मिक वैमनस्य की स्थापना इन्होंने नहीं की है दोस्तों, ठीक है, ये पॉइंट हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कबीर वचनावली के संपादनकर्ता कौन है, हरिओद है, परशुराम चतुर्वेदी है, क्षिति मोहन सेन है या फिर श्याम सुंदर दास है, तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे हरिओद, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पूछा है कि अलक दरिवा का संबंध किससे है, तो ये काफ़ी अच्छे से कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, अलक दरिवा का जो संबंध है वो है दादू दयाल से, ठीक है दोस्तों। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तभी चले कबीरा साधु, ये जो पंक्ति है ये किसकी है आपको ये बताना है, कबीरदास की है, मलूकदास की है, दादू दयाल की है या फिर है सुंदरदास की, तो ये जो पंक्ति है ये दादू दयाल की है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये चर्चित कथन है ये कौन से आलोचक का है आपको ये बताना है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है या फिर नगेंद्र का है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है ऐसा कबीर के बारे में। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन है ना आपकी नेट जेआरएफ की एग्जाम में आता है, तो मुझे लगा कि मैं यहीं पर कबीर से संबंधित करवा देती हूँ क्योंकि कबीर से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आता है इस तरह का,
तो मैं आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रही नेट जेआरएफ के, तो वो मैं इसलिए नहीं करवा रही कि अभी आपके एग्ज़ाम के ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टपोन होने के चांस हैं, और सुनने में तो ये भी आया है कि ये एग्ज़ाम दिसंबर में एक ही साथ होगी, जून की और दिसंबर की एक ही साथ होगी, तो मैं इसलिए उनको नहीं करवा रही कि पहले हम हमारा सिलेबस कर लेते, बाद में उनको तो जैसे डेट आएगी, मान लो डेट आपकी 15 दिन पहले या महीने पहले आती है, एक महीने पहले आएगी तो एक दिन में एक करेंगे तो भी हो जाएगा, और अगर 15 दिन पहले आएगी तो एक दिन में दो करवा दूंगी मैं आपको, और ये मेरा आपसे वादा है पूरा कि मैं एक भी पेपर आपका छोड़ूंगी नहीं करवाए बिना। तो अभी आप जल्दीबाजी मत कीजिए कि मैडम करवाओ करवाओ करवाओ, ठीक है मैं उनको करवाऊँगी, लेकिन अभी मैं ऐसी वीडियो देखी थी, काफ़ी सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी, तो सभी बता रहे हैं कि एग्ज़ाम होना अभी संभव है नहीं, एग्ज़ाम लेट होगा, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको ज़्यादा समय मिला है, मैं भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करवा पाऊँगी। हाँ आजकल मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, उसका कारण है कि डॉक्टर लोकेश वाली सर ने जो फर्स्ट पेपर की क्लासेस चलाई है उसमें मुझे 4 यूनिट पढ़ानी है, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं दे पा रही, मैं उसमें पढ़ाती हूँ। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उनको फर्स्ट पेपर में दिक्कत है तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप करना चाहो नहीं करना चाहो वो सब आपकी मर्ज़ी है, मुझे बताना ज़रूरी लगा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलो इसको देखते हैं क्या पूछा है इसमें। देखिए कथन दिया है और कथन में कहा है कि कबीर की कविता के भाव सौंदर्य में विश्व मानवतावाद का हृदय समाहित है। तो ये बिल्कुल सही कहा है कि कबीर की जो कविता है, जो उनके दोहे हैं, उनके जो भाव सौंदर्य है उसमें विश्व मानवतावाद मतलब कि इंसानियत की बात हुई है दोस्तों यहाँ पे, उसका मतलब हृदय समाहित है, मानवतावाद का हृदय समाहित है, मतलब सभी की बात उसमें उन्होंने कही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये बिल्कुल सही है, कबीर के बारे में इनके दोहे में ऐसी बातें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसकी स्थापना पढ़ते हैं हम। देखिए, कबीर की कविता काव्य शास्त्र के प्रतिमानों के अनुरूप ढल गई है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको कबीर दास जी वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें जो पढ़ाया था, जिसने भी वो देखी है वो तो बता सकते हो ना, जिसने नहीं देखी वो तो उल्टे सीधे कमेंट करेंगे ही, उनका तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो करेंगे। ठीक है, तो देखिए कबीर दास जी के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने कहीं भी ऐसा पढ़ा कि उनने अपनी कविता में अपने दोहे, उनकी जो दोहे थे उनमें काव्य शास्त्र की बात की है, या फिर काव्य शास्त्र से संबंधित कोई भी ऐसी, उन्होंने तो कहा कि मैंने कभी कागज़ को और कलम को हाथ ही नहीं लगाया, छुआ तक नहीं है, वो तो अनपढ़ थे, उन्होंने तो जो आत्म अनुभूति से, जो घूम घूम के इधर और अपने आसपास की चीज़ों से जो अनुभव किया उसी को दोहे के रूप में मुँह से उन्होंने बोला। उसके बाद उनके जो शिष्य है धर्मदास जी, उनने उसका संकलन करवाया, तो आप इस बात को कैसे कह सकते हो कि ये सही है? तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों कि कबीर की कविता काव्य शास्त्र के प्रतिमानों के अनुरूप ढल गई, उनकी कविता काव्य शास्त्र के प्रतिमानों के अनुरूप नहीं ढली दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आपको ये दोनों पढ़ के इतना अंदाज़ा हो गया कि ये सही है और ये गलत है, तो आप इसका जो कथन है मतलब कि जो निष्कर्ष है उसको आराम से सही कर लोगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है, कथन ए सही है और स्थापना आर गलत है, तो बिल्कुल सही हो गया हमारा ये उत्तर यहाँ पे, हमको एक्स्ट्रा आगे जाके पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब हमें ये दोनों चीज़, देखिए मैं एक बार ये हटा देती हूँ, अब देखिए जब हमें कथन पढ़ के और स्थापना पढ़ के बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल गया कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसके उत्तर को करेंगे कि कहाँ पे उत्तर है, क्योंकि अलग अलग, ये देखिए चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे ना आपको एक जैसे लगेंगे और दिमाग ख़राब हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते, कथन ए गलत है और स्थापना आर सही है, कथन ए और स्थापना आर दोनों सही है, कथन ए और स्थापना आर दोनों गलत है। जब आप एग्ज़ाम में बैठे रहते हो आपके ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी आपको एग्ज़ाम को करना होता है, तो आप ऐसे आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हो, तो आपको तो ये देखना है कि आपका ये सही है और ये गलत है, तो आपको डायरेक्ट उत्तर तक पहुँचना है। ठीक है, तो आपने टिक कर दिया आपका ये उत्तर ये, उसके बाद आपको ये तीन पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता है, समझे आप। हाँ अगर फर्स्ट ऑप्शन में आपका उत्तर नहीं आया तो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन मैंने रखा है, कबीर के साहित्य में विद्रोही चेतना की मुखर अभिव्यक्ति हुई है।
दोस्तों देखिए, कबीर का जो साहित्य है, जो उन्होंने लिखा है या फिर जो उन्होंने अपने मुंह के द्वारा बोला है, उनके शिष्यों ने जो लिपिबद्ध किया है, उसमें विद्रोही चेतना की मुखर अभिव्यक्ति हुई है। बिल्कुल दोस्तों हुई है। उन्होंने ऐसे ऐसे कटाक्ष किए हैं हिंदू मुस्लिमों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किए हैं। गुरु की महिमा को उन्होंने बताया है, और जहाँ पर उनको चीज़ें गलत लगी वहाँ उन्होंने तुरंत विद्रोह के स्वर में अपनी बात की अभिव्यक्ति की है, ठीक है, अपनी बात को कहा है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए स्थापना इसकी हम पढ़ लेते हैं, ये सही है या गलत है। तो देखिए, परिवर्तन के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है। इसमें लिखा है कि परिवर्तन अगर हमें किसी चीज़ में करना है तो क्रांति की आवश्यकता होगी। क्रांति हमेशा हिंसात्मक होती है। दोस्तों क्या ये बात सही है कि क्रांति हमेशा हिंसात्मक होती है? क्या हमेशा आप बंदूक से, तलवार से काटामारी करोगे तभी वो क्रांति कहलाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। गांधी जी को याद कर लो अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे इतना पढ़ के ही गलत हो गई। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, लेकिन एक बार और पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लो कि परिवर्तन के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है। क्रांति हमेशा हिंसात्मक होती है। यही कारण है कि कबीर की कविता हिंसा मूलक की पक्षधर है। दोस्तों कबीर की जो कविता है वो हिंसा मूलक की पक्षधर नहीं है, अहिंसा मूल्य की पक्षधर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत और ये सही। तो पहले की तरह ही आपको ऑप्शन ढूंढना है कि ए, कथन ए सही है और आर गलत है। तो देखिए दोस्तों, कथन ए सही है और स्थापना आर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन में मैंने रखा है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम तथा मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया किस विद्वान ने माना है? दोस्तों ऐसा कौन से विद्वान ने कहा कि जो भक्ति आंदोलन है वो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया है? तो ये कहा है किसने, आप ये बताना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो दोस्तों ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जिस दिन हमने भक्तिकाल स्टार्ट किया था उस दिन इस तरह के तथ्य देखे थे। ये संत काव्य से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये भक्तिकाल से संबंधित तो है ना दोस्तों, तो इसीलिए ये हमें यहाँ पर पढ़ना था। इसको रखना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने रख लिया क्योंकि जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए वहाँ पे ये लिखा हुआ था साथ में, तो मैंने इसको रख लिया कि ये बाद में भी हमें पढ़ना पड़ेगा जब भक्तिकाल का एक साथ पूरा वीडियो बनाएंगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनका, तो इसीलिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भक्तिकाल के क्वेश्चन तो 200 से ऊपर, सॉरी संत काव्य के जो क्वेश्चन हैं ये 200 से कहीं ज़्यादा, मतलब 300 350 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब मैंने 200 का टाइटल बना दिया तो मैं 200 ही करवाऊंगी। और जब हम भक्तिकाल के एक साथ सभी क्वेश्चन करेंगे तब मैं उसमें से कुछ ऐड कर दूँगी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया आपसे कि किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो आप सभी को मालूम है कि मूर्ति पूजा का और अवतारवाद का जहाँ पे विरोध हुआ है वो कौन सी है, वो संत काव्य है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा संत काव्य धारा लिखा है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से आपको दे देंगे। कहीं पे निर्गुण लिख देंगे, कहीं पे संत काव्य धारा लिख देंगे, कहीं पे संत काव्य सिर्फ लिख देंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि संत काव्य है, निर्गुण काव्य धारा है, उसी के अंतर्गत आता है संत काव्य, ठीक है। तो ये आपको समझ में आती है चीज़ें, तो इसी में मूर्ति पूजा कर अवतारवाद का विरोध किया गया, ठीक है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणवाद से, नाथपंथ से, निर्गुणवाद से या सूफी मत से? तो दोस्तों नामदेव का संबंध है निर्गुणवाद से, ठीक है, निर्गुणवाद से इनका संबंध है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में, ठीक है, और आता है तब हम उलझ जाते हैं कि किसने कहा किसने कहा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। लेकिन बार बार जब आप किसी चीज़ को करोगे ना, बार बार इन क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे, देखोगे, लिखोगे, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। कुछ ऐसी लाइन थी जो मुझे पहले याद नहीं थी, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला कब मुझे याद हो गई है। तो आप इनको बार बार देखिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पिछली कोई भी प्लेलिस्ट निकाल के दोबारा से उसको लीड लगा के और उसकी स्पीड मतलब बढ़ाने का एक ऑप्शन आता है वीडियो में, तो स्पीड बढ़ा के जल्दी से उसको रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हो, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। और अगर आप नहीं देखना चाहते कि मुझे नहीं वीडियो नहीं देखनी, मुझे तो पढ़ना है, तो आपने जो कॉपी में लिखा है उसको आराम से पढ़ते रहो, ठीक है, तो ये आप करना। तो भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये किस कवि की पंक्ति है? तो ये आप सभी अच्छे से जानते हो कि कुंभन दास की है, और अगर आप नहीं जानते हो तो आप पढ़ लो कि ये कुंभन दास की पंक्ति है, ठीक है दोस्तों। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे?
नानक पंथ के, दादू पंथ के, कबीर पंथ के या नाथ पंथ के। तो दोस्तों ये जब सभी संत कवि है ये दादू पंथ के अनुयायी थे। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी उसमें पढ़ चुके हो, क्योंकि देखिए दोस्तों नए क्वेश्चन मैं बनाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा बनाना संभव नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है, एग्जाम में भी रिपीट होते हैं, यहाँ पे भी रिपीट होंगे, लेकिन इसी सीरीज़ में जैसे कि संत काव्य पढ़ रहे, संत काव्य में संत काव्य के क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 200 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ लेकिन इससे ज़्यादा मेरे पास संकलन है इसका। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, कबीर किसके शिष्य थे। इसको इस तरह भी पूछ सकता था कि कबीर के गुरु का नाम बताइए। ठीक है, तो मतलब दोनों का वही है, एक ही मतलब है। तो रामानंद के शिष्य थे कबीर, ठीक है दोस्तों, या फिर इनके गुरु का नाम है रामानंद। ठीक है, यहाँ पर याद रख लेना अच्छे से। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियाँ आई है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों ये बहुत अच्छी पंक्ति है, बार बार ये आती रहती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है वो आपको याद रखना है। तो इसमें ऑटोमेटिक इसका उत्तर लिखा हुआ है, दास मलूका कह गए, मतलब मलूक दास की है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गई इतनी बातें, चलो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई है तो। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य कर करके कही गई है। तो थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था मैंने कि कबीर दास जी ने कभी भी कागज को छुआ नहीं, कलम को कभी हाथ नहीं लगाया, लिखने और पढ़ने के नाम उन्होंने तो जो आसपास अपने अनुभव से सीखा देखा उसी को मुखर, मतलब कि मुँह से अभिव्यक्त किया। ठीक है, मुखर अभिव्यक्ति दी उसकी। तो ये कबीरदास जी के बारे में कही गई है पंक्ति, आप इसको याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये चर्चित पंक्ति, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित पंक्ति है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए रखी है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसने लिखी है आपको ये बताना है, ये पंक्ति किस कवि की है आपको ये बताना है, संत कवि की है। तो देखिए दोस्तों, रैदास की है, मलूकदास की है, कबीरदास की है या फिर है सुंदरदास की। तो ये पंक्ति है रैदास की। ठीक है दोस्तों, और ये वाला पेज है ना इसके पीडीएफ में, मतलब बनाते टाइम देखिए धुंधला हो गया तो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज़ तो सही से आ रही है ना, और इतना भी धुंधला नहीं है कि आप इसको पढ़ नहीं पाओ, लेकिन फिर भी आपको समस्या आए तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के आप देख लेना। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नाभादास द्वारा रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है, मतलब कि नाभादास का ग्रंथ है और कौन सा ग्रंथ है जिसमें कबीरदास जी के बारे में उल्लेख मिलता है, कुछ बातें वहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो बताइए भक्तमाल में, अष्टयाम में, कबीर चरित्र बोध में या कबीर परिचय में। तो दोस्तों भक्तमाल बहुत चर्चित इनका ग्रंथ है नाभादास जी का, इसी में कबीर के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। तो रामानंद जी है ये संत काव्य धारा के थे। ठीक है दोस्तों, और संत काव्य धारा किस में आती है, निर्गुण काव्य धारा में आती है, ये सभी को मालूम है। ठीक है, तो निर्गुण काव्य धारा के, ये निर्गुण काव्य धारा बोल दो या भक्ति धारा बोल दो या इसको कुछ भी बोल दो, आपसे उलझा के किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है ताकि आप इसमें उलझ जाओ और इसको गलत कर दो। ठीक है, तो रामानंद है ये निर्गुण भक्ति धारा के थे, इसको निर्गुण काव्य धारा भी ये बोल सकते थे, संत काव्य धारा भी ये लिख सकते थे। तो इसमें आप उलझना मत, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, आप देखना कि कौन सा आपके आपका जो उत्तर है वो किस ऑप्शन में है, उसको ढूंढना फिर करना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, 16वीं-17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये क्वेश्चन आपको घुमा के यहाँ पे दे दिया थोड़ा सा, वैसे इसको डायरेक्ट यूँ पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा, डायरेक्ट ये पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया कि 16वीं-17वीं शताब्दी का जो युग था, मतलब कि भक्ति काल जो था, उसको हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा है। लेकिन ये जो कहा है वो, इसका जो उपलब्धि मिली है वो कौन से लेखक को मिली है, कौन से इतिहासकार को मिली है, ये पूछा है। तो घुमा दिया क्वेश्चन को, बात वो की वो ये पूरी। तो इसमें उत्तर है हमारा जॉर्ज गियर्सन। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि भक्ति काल का आरंभ माना जाता है। तो भक्ति काल का जब हमने काल विभाजन पूरा इसका देखा था, अलग से इसका काल इसको बांटा था अलग अलग वर्गों में, तब हमने देखा कि संत काव्य है जो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है, इससे भक्ति काल का आरंभ होता है। तो इसमें संत काव्य बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रेम काव्य है, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये सब बाद में आते हैं। ठीक है दोस्तों, दादू के पदों को अंग पदों में किसने संकलित किया। देखिए दोस्तों, दादू के जो पद है उनको अंग पदों में संकलित किया, लेकिन किसने किया आपसे, तो यहाँ पे ये पूछा है। तो दादू के शिष्य है कौन, रज्जब, तो रज्जब ने किया इनको अंग पदों में संकलित। ठीक है दोस्तों,
रामानंद को आकाश धर्म गुरु किसने कहा है? काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, पहले करवा चुके हूँ 2000 क्वेश्चन की सीरीज में इसको। तो आप बताइए रामानंद को आकाश धर्म गुरु किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आप इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा आने के चांस है इसके। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जनमानस से संबंध और सामाजिक चेतना का काव्य किस काल को कहा गया है? तो ये भक्ति काल के बारे में कहा गया है। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दूँ तो इसलिए मैंने कर दिया था। ठीक है, निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? देखिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा है जो रामानंद का शिष्य नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है। लालदास है, रैदास है, दोस्तों ये रैदान नहीं है, ठीक है, ये रैदास है, इसको सह कर लेना। ठीक है, इसको सह कर लेना। देखिए लालदास है, रैदास है, पीपा है, या फिर धन्ना है? तो दोस्तों पीपा इनके शिष्य है, रैदास है, धन्ना है, लेकिन लालदास है ये इनके शिष्य नहीं है। ठीक है, रामानंद के, तो आप इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कबीर पर्ची के रचनाकार कौन है? दोस्तों कबीर पर्ची के रचनाकार के बारे में मिलान कर चुके हैं, सुबह जो वीडियो मैंने आपके लिए डाला था 50 क्वेश्चन जिसमें भक्ति काल के थे, मतलब संत काव्य के थे, उसी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? अनंतदास है। ठीक है, संत साहित्य में निर्गुण भक्ति का मूल आधार क्या माना गया है? संत साहित्य में जो निर्गुण भक्ति है इसका मूल आधार है वो क्या है बताइए? नाम जपना है, मानसिक विश्वास है, सहज साधना है, या फिर विश्वास है? तो दोस्तों इसमें नाम जपना है, ये इसका मूल आधार है निर्गुण भक्ति का। ठीक है, कबीर रचना के रचनाकार कौन है? डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया गया है कि कबीर जो रचना है उसके रचनाकार का नाम क्या है। तो आप कबीर को देख के कबीरदास मत कर देना इसमें। ठीक है, इसमें कबीरदास नहीं है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने लिखी है ये रचना। ठीक है, कबीर नाम से, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी रचना है ये। ठीक है दोस्तों, कबीर के काव्य में उलटवासियाँ हैं ये किससे प्रभावित है? सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, शंकराचार्य से, या फिर उपनिषद से? तो दोस्तों ये सिद्ध साहित्य से प्रभावित है, उसी से ये एक तरह से वहीं से आई है। ठीक है, उलटवासियाँ सबसे पहले सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है, उसके बाद हमने कबीर के काव्य में इनको देखा है। किस पंथ में सतराम कहकर के अभिवादन किया जाता है? दादू पंथ में, कबीर पंथ में, नानक पंथ में, या सभी में? तो आप कह रहे होंगे कि सभी में किया जाता है मैडम, तो ये बिल्कुल गलत है, सभी में नहीं किया जाता। दादू पंथ है जिसमें सतराम कहकर के अभिवादन किया जाता है, मतलब कि हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, इतनी सारी चीज़ें हम कुछ भी मतलब बोल देते, श्री राम, राधे कृष्णा, कुछ भी ऐसे बोलते रहते, तो वो हमारा अभिवादन करने का तरीका है। ठीक है, तो कौन सा पंथ है जिसमें सतराम बोल करके अभिवादन करते थे, ये तरीका था उनका? ठीक है, तो ये है दादू पंथ का। ठीक है, नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि नसीहतनामा जो रचना है इसके रचनाकार का नाम क्या है? रामानंद है, गरीबदास है, नानक देव है, या फिर दादू दयाल है? तो इसके रचनाकार का नाम है नानक देव। ठीक है, नानक देव की रचना है नसीहतनामा। निर्गुण संतों में सर्वाधिक शिक्षित कौन थे? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदरदास है ये सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं निर्गुण संतों में। ठीक है, संत काव्य में डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस में संकलित है? देखिए कबीर की वाणी इन चारों में संकलित है। ठीक है, चारों में मिलती है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे पुराना जो नमूना है वो किस में मिलता है? तो सबसे प्राचीन जो नमूना इनकी वाणियों का मिलता है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार वो मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, कबीर की प्रतिभा को प्रखर मानते हुए उनकी वाणी को व्यंग चमत्कार पूर्ण किसने कहा है? कबीर की प्रतिभा को प्रखर मानते हुए उनकी वाणी को व्यंग और चमत्कार पूर्ण कौन से इतिहासकार है जिन्होंने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, किस संत की समाधि संभ्राथल के नाम से जानी जाती है? ठीक है, मतलब विख्यात है। तो ऐसे कौन से संत हैं जिनकी समाधि को संभ्राथल के नाम से जाना जाता है? देखिए गरीबदास है, जसनाथ है, जम्बनाथ है, या मलूकदास है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे है जम्बनाथ। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की साखियों में वर्णित है, मतलब कि इनकी साखियों में क्या वर्णित है, क्या चीज़ है इनकी साखियों के अंदर, ये पूछा गया है। तो और पूछा किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो देख लेते हम, आत्म साक्षात्कार है, साधनात्मक रहस्यवाद है, उलटवासियां है, सांप्रदायिक शिक्षा के उपदेश है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें माना है सांप्रदायिक शिक्षा के उपदेश, बाकी इसमें सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, कबीर के काव्य में अहिंसा किससे प्रभावित है? देखिए कबीर के काव्य में अहिंसा है, ना कि हिंसा। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसमें हिंसा दे रखी, इसलिए वो गलत हो गया था। तो कबीर के काव्य में हिंसा की कोई जगह नहीं है, अहिंसा है। ये किससे प्रभावित है, किससे प्रभावित होकर के इनका जो काव्य है उसमें अहिंसा को जगह दी है इन्होंने, ठीक है? जैन धर्म को, शंकराचार्य को, वैष्णव को या फिर उपनिषद को? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है वैष्णव, ठीक है? और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये हिंसा और अहिंसा है ना, ये मुझे मैं सही बताऊँ ना तो मुझे 11वीं क्लास में जाके इन दोनों में अंतर पता चला, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं था कि हिंसा उसे बोलते हैं जिसमें हम ऐसे लड़ाई करते, मारते, काटते और मार देते किसी इंसान को, उसको हिंसा बोलते। बस यही पढ़ा था किताबों में, जितनी भी बार पढ़ा उसमें यही हमने पढ़ा था कि हिंसा होती है और एक अहिंसा होती है, और उसकी परिभाषा भी हमने काफ़ी रटी थी पहले, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब वास्तविक उदाहरण किसी ने नहीं दिया कि चीज़ें ऐसे होती है, तो समझ में नहीं आई। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो खुद से सीखी है, अपने आप से सीखी है, अपने आसपास की चीज़ों को अनुभव करके उनसे सीखी है मैंने, और आपने भी ऐसे ही सीखी होंगी, क्योंकि हमारा स्कूल तो गांव का है, सरकारी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, वहाँ पे 5वीं क्लास में तो इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करवाया था हमको। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय किससे संबंधित है, ठीक है? मतलब किससे संबंध है, तो आपको ये बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, रामानुज से, निम्बार्क से, बल्लभ से या माध्वाचार्य से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है निम्बार्क, ठीक है? राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है, कौन है राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक? देखिए हित हरिवंश गोस्वामी है, हित चौरासी है, राधा कृष्ण है, हरिदास है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हित हरिवंश गोस्वामी, ठीक है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्वमसी का संबंध किस संप्रदाय से है? आपको बताना है कि तत्वमसी का संबंध है वो कौन से संप्रदाय से है, श्री संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय से, सनकादि संप्रदाय से या फिर रुद्र संप्रदाय से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्री संप्रदाय, ठीक है? अमला भक्ति पर किसने बल दिया? आपको बताना है कि अमला भक्ति पर किसने बल दिया है, माध्वाचार्य ने, रामानंद ने, कबीर ने या शंकराचार्य ने? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे माध्वाचार्य, ठीक है? किस संप्रदाय में दास्य भक्ति पर विशेष बल दिया जाता था, मतलब दिया गया था? आपको संप्रदाय का नाम यहाँ पे बताना है, ठीक है? देखिए श्री संप्रदाय पर, सनकादि संप्रदाय पर, रुद्र संप्रदाय पर या सभी पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्री संप्रदाय, ठीक है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है, यहाँ पे पूछा है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निर्गुण भक्ति का मूल तत्व, ठीक है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए इनके अनुसार है यहाँ पे अज्ञात ब्रह्म का नाम जप, ठीक है? अज्ञात ईश्वर है, मतलब कि ज्ञात नहीं है, उसका रूप उनके सामने उपस्थित नहीं है, उसका नाम जपना ही इन्होंने निर्गुण भक्ति का मूल तत्व माना है, ठीक है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है ये, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कबीर का उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था, ठीक है? मतलब कबीर के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन था, उनकी बेटी थी, उनका प्रिय शिष्य था, उनका बेटा था या उनकी पत्नी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उनका प्रिय शिष्य धर्मदास, ठीक है? कबीर को रेडिकल सुधारक किसने कहा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो दोस्तों बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, बच्चन सिंह ने या फिर किसी ने? नहीं, तो दोस्तों ये कहा है बच्चन सिंह ने, ठीक है? बच्चन सिंह इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। कौन से संत ऐसे हैं जो भ्रमणशील थे, इसको पहले काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें सही उत्तर है हमारा नानक, ठीक है? नानक है ऐसे संत जो भ्रमणशील थे, ठीक है? और आपने नहीं पढ़ा है कभी भी, आप नए हो तो आप इसको याद कर लेना कि हमारे नानक देव जो संत है वो भ्रमणशील थे, ठीक है? किसने कहा कि कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, तो देख लेते हैं किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बच्चन सिंह ने या फिर श्याम सुंदर दास ने? तो दोस्तों ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, ठीक है दोस्तों? और ये हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक है दोस्तों? और हो सकता है मैं ज़्यादा वीडियो आपके लिए नहीं लाऊं, लेकिन एक वीडियो रोज़ लाऊंगी, और जब मैं वीडियो नहीं लाऊं ना तो आप पुरानी वीडियोस देख लिया करो, मैंने काफ़ी अच्छे से आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके पुरानी वीडियो देख लेना या फिर आपने जो नोट्स लिख रखे उनको पढ़ लेना, आपकी किताब पढ़ लेना, लेकिन अपना समय बिल्कुल भी खराब मत करना, ठीक है दोस्तों? ओके, बाय बाय।